नांदेडमध्ये भर दिवसात 30 लाख रुपये लुटण्याची घटना घडली. बँकेत पैसे भरण्यासाठी जाणाऱ्या फळ व्यापाऱ्यांना बंदूक आणि तलवारीचा धाक दाखवून मारहाण करून तिघांनी 30 लाख रुपयाची बॅग पळवली. शहरातील सामाजिक न्याय भवनजवळ दुपारी ही घटना घडली. फळ व्यापारी मोहम्मद साजिद आणि सय्यद मुदसीर हे दोघे व्यापारी 30 लाख रुपये बँकेत भरण्यासाठी दुचाकीवरून जात होते. पाठीमागून दुचाकीवरून आलेल्या तिघांनी धक्का देत त्यांना खाली पाडले. दोघांनी तलवारी आणि बंदूक दाखवून व्यापाऱ्यांना मारहाण केली. त्यांच्याजवळ 30 लाखांची बॅग घेऊन तिघे आरोपी पसार झाले. या प्रकरणी विमानतळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मेरा नाम मोहम्मद साजिद है और हम फ्रूट मार्केट से बैग लेकर पैसों का आ रहे थे और तारा सिंह मार्केट और ICICI बैंक दो जगह जाना था हमारे को. तो हमारे पीछे से मोटरसाइकिल पे 3 आदमी आए, सरदार जी आए और उसने धक्का देकर हमारी गाड़ी गिरा दी और बाबा साहब अम्बेडकर भवन के पास हमको गिरा दिए और अंदर बैग में 30 लाख रुपये थे. हाँ 30 लाख रुपये बैंक को जा रहे थे हम, तारा सिंह मार्केट और ICICI बैंक को. और हमने जब गाड़ी पे से ढकल के गिरा दिए तो हम उनके पीछे पड़े तो ये हमारे साथी थे, हमारे जो मुनीम साहब है उन्होंने उनके पीछे करे तो उनको तलवार से मारे. जब उन्होंने छोड़ दिए बैग तो फिर बाद में मैं पीछे भागा तो मेरे ऊपर रिवॉल्वर तान दिया उसने और लेकर हम जैसा उठ के भागे तो आगे बाबा साहब अम्बेडकर भवन के पास तक हम लोग पीछा करें, वहाँ से वो किधर के पता नहीं. कौन से लोग थे जो ये 2:05 के और 2:10 के दरमियान में हो? गाड़ी नंबर, गाड़ी नंबर प्लेट उसका अपने प्लेट हम इसको नहीं था, गाड़ी नंबर नहीं था. हम सैयद मुदस्सिर है, मैं अब्दुल रऊफ एंड कंपनी में काम करता हूँ और वहाँ पे फ्रूट मार्केट में दिन भर का जो कलेक्शन आता है, बाज़ार का दिन था, वो कैश लेके मैं और मेरे सेठ बैंक के लिए जा रहे थे, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ तारा सिंह. हम वहाँ से 2:05 से निकले, हमारे पीछे 3 लोग आए और हमें गिरा दिए, गिरा के हमारे से पैसे लेके छीने. मैं पकड़ा तो मुझे तलवार से हमला करे और मेरे सेठ ने जो पकड़े तो उनके ऊपर गन तान दिया, हमारे से लेके ये अम्बेडकर भवन के पास गिरा के पैसे लेके भाग गए.